मंचिंग के लिए आप सौंफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, छालिया और पान का इस्तेमाल नहीं करना, सौंफ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सौंफ के बहुत फायदे हैं और ये कहना बहुत आसान है कि स्ट्रेस ना लें, क्योंकि स्ट्रेसफुल कंडीशन जब आती है, जब आप स्ट्रेस में रहते हैं ज्यादा, तो ये आपका मोटापे का बायस होता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज डॉक्टर सादिया शेख। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सुस्त खवातीन किस तरह से अपना वजन कम करें, क्योंकि ना डाइट करने का दिल चाहता है ना एक्सरसाइज करने का दिल चाहता है, और सोने पे सुहागा, विंटर्स भी आ गए। तो आज मैं आपको 14 डेज का चैलेंज देती हूँ, इसको एक्सेप्ट करें, राइट। और ये जो 10 गोल्डन टिप्स आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ना, इनको आप फॉलो करें और आप 2 हफ्ते के अंदर ही अपनी बॉडी में ड्रास्टिक चेंजेस देखेंगे इंशाल्लाह। देखिए, सुस्ती रखना ना कोई अच्छी बात है नहीं, अल्लाह ताला को नहीं पसंद है सुस्ती। एक तो हमारा टाइम इतना ज्यादा वेस्ट हो जाता है, हम और डिप्रेस और लेजी तो होते ही हैं, और डिप्रेस भी रहना शुरू हो जाता है, स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि हरकत में बरकत है, तो बस इसी को सोचें और इसको स्टार्ट करें। बल्कि आप जब सुबह उठें तो आप सबसे पहले आप ये एक चीज बोलें कि हसबी अल्लाह व निमल वकील, हसबुन अल्लाह व निमल वकील, कि या अल्लाह ताला मेरे लिए तू ही काफी है। तो बस इसके बाद भी कोई और बात रह जाती है क्या? हर चीज की ना अल्लाह ताला से दुआ मांगा करें, छोटी से छोटी चीज की। तो इस चीज के लिए भी आप अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि ये जो मैं 10 टिप्स डॉक्टर सादिया ने बताए हैं, इनको अच्छी तरीके से फॉलो करने में या अल्लाह ताला आप मेरी हेल्प करें, ठीक है। और मैं आप लोगों के लिए भी दुआ करूंगी, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कंसिस्टेंसी के साथ वेट लॉस टिप्स को फॉलो करना। और 2-4 दिन के लिए तो हम फॉलो करते हैं और उसके बाद फिर हम उसे छोड़ देते हैं, ठीक है। ये हमारी सुस्ती होती है, सब ऐसा करते हैं, इवन समटाइम्स मैं भी ऐसा करती हूँ कि मैं लेजी हो जाती हूँ, लेकिन उसके बाद फिर कहते हैं ना कि उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तो ये सारी चीजें ना अपने जहन में बार बार बोला करें, तो फिर देखें कि अल्लाह ताला आपका साथ नहीं देगा। जब आप कुछ करना चाहते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए बहुत ज्यादा आसानियां पैदा कर देता है, ठीक है। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर करें। नंबर 1 पे यह है कि प्रिपेयर योर मील्स इन एडवांस। पहले से ही आप अपने मील्स प्लान करके रख लें तो आप अनहेल्दी ऑप्शंस अवेल नहीं करते। जब आपको भूख लगती है तो आप हेल्दी ऑप्शंस ही अवेल करते हैं, और आप उनको क्या करें कि एक ही साथ खाना जो है वो ज्यादा सारा बना के लेस ऑयल में पका के आप उसको ग्लास के कंटेनर्स में बंद करके 1 से 2 दिन के लिए भी आप रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। सैलड्स कट करके रख लें, कबाब बना के रख लें, ठीक है, चिकन ब्रेस्ट को मैरिनेट करके रख लें। तो ये सारे हेल्दियर ऑप्शंस हैं कि क्विकली ये रेडी भी हो जाते हैं, राइट। नंबर 2 पे जो मैं आपको टिप बताने जा रही हूँ ना, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप समझ लें इस चीज को। जैसे कि आपने नो टू लिक्विड कैलोरीज, कि आपने लिक्विड कैलोरीज नहीं लेनी है। लिक्विड कैलोरीज किस चीज की फॉर्म में आपने नहीं लेनी, जैसे स्मूदीज, शेक्स और जो जूसेस होते हैं, ये हेल्दियर ऑप्शंस है ना। तो इसमें क्या होता है, एक तो हर चीज की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, कैलोरीज इसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, और जब हम इसे पीते हैं ना तो एकदम से हमारे सिस्टम में जल्दी से शामिल होता है खून में, और इसी तरह से जितना जल्दी शामिल होता है आपकी बॉडी में सिस्टम में, उतना ही तेजी से ये ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है, इतना ही तेजी से इंसुलिन का लेवल राइज होता है। और जब इंसुलिन का लेवल राइज होता है तो आपका फैट लॉस पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसके बजाय आपने क्या करना है, आप यखनी प्रिपेयर करके रख सकते हैं, बोन ब्रॉथ प्रिपेयर कर लें, ग्रीन टी ले लें, ब्लैक टी ले लें, कॉफी ले लें विदाउट मिल्क, विदाउट शुगर। तो उससे क्या होता है, ये 0 लिक्विड कैलोरीज हैं जो आप लेंगे, हेल्दियर ऑप्शन। इससे आपकी क्रेविंग्स भी ओवरकम होंगी, खानों के दरमियान आप गैप भी आसानी से बढ़ा सकते हैं, ठीक है, और इससे आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होगा और हाइड्रेशन भी हो जाएगी। और अगर आप यखनी का इस्तेमाल करते हैं तो उससे तो आपको भरपूर न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं। ये देखें, मैं भी ग्रीन टी का इस्तेमाल कर रही हूँ इस वक्त। अच्छा जी, नंबर 3 पे आ जाता है कि आपने बहुत ज्यादा लूज कपड़े नहीं पहनने हैं ऑल द टाइम, सही है, डोंट वेयर लूज क्लॉथ्स ऑल द टाइम। हाँ, रात में सोने से पहले आप बिल्कुल रिलैक्स कपड़े आप पहन सकते हैं, ऐसे फिट और अच्छे कपड़े पहने जिसमें आपको अपना आप एक्टिव लगे, आप अच्छा और बेटर फील करें, ठीक है। हल्का सा आप मेकअप करके आप अपने काम भी करने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, तो आप अपने आप को फ्रेशन अप करें, ठीक है, अच्छा सा परफ्यूम लगाएं, अच्छे से साफ सुथरे फिट थोड़े से कपड़े पहने जिसमें आपको अपना आप अच्छा लगे। और अगर कोई बल्जेस भी आपको नजर आ रहे हैं तो आपको ये हो, वो आपको अलर्ट करेंगे कि आपने अपना वजन कम करना है, ठीक है। नंबर 4 पे है कि मूव मोर।
अगर आपको एक्सरसाइज नहीं करनी आप ना करें, ठीक है, आप सिंपल वॉक कर लें अपने कमरे में ही, आप वॉक कर लें, आप नमाज पढ़ने से पहले एक ग्लास पानी पी लें, आप नमाज पढ़ लें, नमाज में भी आपकी अच्छी खासी एक्टिविटी हो जाती है, आप वजू करने जाते हैं तो फिर आप बहुत ज़रा अच्छा फील करते हैं, नमाज में जब आपकी ज़रा थोड़ी सी आपकी बॉडी वार्म अप हो जाती है तो उसके बाद आप अपने घर के काम करना शुरू कर दें, आप वैक्यूम लगा लें, आप ग्रूमिंग कर लें, आप झाड़ू लगा लें, अपना ही घर साफ कर रहे हैं ना आप, ठीक है, किचन के काम कर लें, तो इससे क्या होता है कि आपके हाथों की पैरों की मूवमेंट्स होती है, आपके जॉइंट्स लुब्रिकेटेड रहते हैं, आपको जॉइंट्स की प्रॉब्लम नहीं होती है, आपके मसल्स हर वक्त काम करते रहते हैं, अगर आप डस्टिंग कर रहे हैं तो उसमें भी आप अच्छे तरीके से ऐसे एक्टिव होकर आप इस तरह से अपने हाथों को मूव करके आप डस्टिंग कर रहे हैं, तो इससे ही आपकी मैक्सिमम कैलोरीज बर्न हो जाती है और आप बहुत ज्यादा एक्टिव फील करते हैं और घर की सफाई भी हो जाती है, ठीक है, तो एक पॉजिटिव वाइब आती है ना, तो आप ये कर लें, एक्सरसाइज नहीं करने का टाइम मिलता, वॉक करें और ये घर के काम करें। देखें मुझे आप ये बताएं कि पुराने जमाने में कौन जिम जाता था, खवातीन को जिम जाती थी पहले, क्या जिम होते थे, जो घर के काम होते थे ना वही उनके जिम होते थे, तो इसको बहुत ही ज्यादा अंडर रेट किया जाता है कि घर के काम जो है वो फटीग है, वो एक्सरसाइज नहीं है, घर के काम बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस हैं, उससे आप मैक्सिमम कैलोरीज बर्न कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 5 पे यह है कि आपको डाइट करने का मैं नहीं कह रही, आप स्मॉल चेंजेस करें, कि जैसे अगर आप सैलड लेते हैं, सैलड्स के अंदर आप सीजनिंग्स और उसके अंदर जो ड्रेसिंग्स होती हैं वो ऐड करने के बजाय आप उसके अंदर विनेगर ऐड कर लें, लेमन जूस ऐड कर लें, गार्लिक ऐड कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल ऐड कर लें, मस्टर्ड पेस्ट ऐड कर लें, तो वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी हो जाएगी आपकी सैलड और ये हेल्दियर ऑप्शंस होंगे सारे, जो आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को फिक्स करेंगे, सही है, आपके फैट लॉस में हेल्प करेंगे। सीजनिंग्स और ड्रेसिंग्स जो होती है ना ये वाटर रिटेंशन करती है और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है, तो उसकी वजह से ब्लोटिंग भी होती है और आपका कभी भी वेट लॉस नहीं हो पाता। अगर आपका बहुत ज्यादा दिल चाह रहा है टी और कॉफी लेने का, तो मिल्क टी और मिल्क कॉफी के बजाय आप ब्लैक टी ब्लैक कॉफी ले सकते हैं, बिस्किट्स और चॉकलेट्स के बजाय आप खजूर इस्तेमाल कर लें, खुबानी इस्तेमाल कर लें, जो ड्राइड प्रोन्स होती हैं, आलू बुखारे होते हैं 2 से 3, आप वो ले सकते हैं, किसी दिन आप इंजीर ले सकते हैं, तो ये हेल्दियर और नेचुरल ऑप्शंस हैं, लेकिन इसके अंदर भी इसकी क्वांटिटी ज्यादा नहीं करनी होती क्योंकि ड्राई फ्रूट्स की वो कैलोरी डेंस होते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, तो कम क्वांटिटी में अपनी स्वीट क्रेविंग्स को ओवरकम करने के लिए आप ये ऑप्शंस ले सकते हैं, थोड़ी सी क्वांटिटी में आप डार्क चॉकलेट भी ले सकते हैं। नंबर 6 पे ये आ गया कि आपने क्या करना है कि जो भी आपने खाना खाना है ना उससे पहले आपने एक ग्लास पानी पी लें और उसके बाद आप सूप्स ले लें, ठीक है, अब तो सर्दियों का मौसम है, आपने सूप ले लिया, सूप के बाद सैलड ले ली और उसके बाद फिर जो आपके घर में जो भी खाना बना हुआ है जो आपने मील्स प्रिपेयर करके रखे हुए आप वो खा लें, तो 70% पेट तो आपका पानी से सूप से सैलड से भर जाएगा, बाकी 30% में आप कितनी कैलोरीज ले लेंगे, और सारे हेल्दियर ऑप्शंस हैं, अगर आप यखनी ले लेते हैं, सूप ले लेते हैं, वेजिटेबल्स ले लेते हैं, तो उससे आपके सारी जो गजाइयत होती है वो आपको भरपूर मिल जाती है, ठीक है, और जो आपने मील्स प्रिपेयर किया हुआ है वो आपका हाई प्रोटीन हाई फाइबर होना चाहिए, सही है, तो आपके मील्स में आपका टेस्ट भी आ जाएगा और क्विकली आपका ये वेट लॉस करने में आपको हेल्प भी करेंगी चीजें, ठीक है। नंबर 7 पे ये है कि लिमिट योर कार्बोहाइड्रेट इनटेक, चाहे वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं चाहे वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, रोटी चावल पास्ता दलिया पोटैटोज आलू ये सब आप इस्तेमाल करें, लेकिन इनकी क्वांटिटी कम होनी चाहिए, ज्यादातर पोर्शन आपका प्रोटीन और फाइबर से होना चाहिए। नंबर 8 पे ये है कि बिटवीन मील्स आपने कोई स्नैकिंग नहीं करनी, मंचिंग के लिए आप सौंफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, छालिया और पान का इस्तेमाल नहीं करना, सौंफ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सौंफ के बहुत फायदे हैं, और इसके साथ साथ आप ग्रीन टी और हर्बल टीज का इस्तेमाल करें, उससे आपकी हाइड्रेशन भी होगी और ये आपको फैट बर्निंग में हेल्प करेंगे, आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करके आपको कैलोरीज बर्न करने में हेल्प करेंगे। डोंट टेक स्ट्रेस, और ये कहना बहुत आसान है कि स्ट्रेस ना लें, क्योंकि स्ट्रेसफुल कंडीशन जब आती है, जब आप स्ट्रेस में रहते हैं ज्यादा, तो ये आपका मोटापे का बायस होता है, तो जब कभी कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन हो तो आप रिलैक्स होने के लिए आप पानी पी लें, आप थोड़ी सी वॉक कर लें, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लें, आप वजू कर लें, आप नमाज पढ़ लें, उस जगह से आप हट जाएं, ठीक है, किसी ना किसी काम में अपने आप को मसरूफ रख लें, या किसी को आप हेल्प कर दें, किसी के कोई काम कर दें, अपने फैमिली मेंबर्स में अपने पेरेंट्स को आप खुश कर दें, ठीक है, उनके कोई काम कर दें, तो इस तरह से आपका स्ट्रेस जो होता है वो हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो जाता है। हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि हमें कोई हैप्पी कर दे, हमारे कोई काम कर दे, है ना, हमें कोई रिलैक्स करे, तो यही काम हम अगर दूसरों के लिए कर देंगे तो आपकी स्ट्रेसफुल कंडीशन जो होती है हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो जाती है। इसके अलावा आप अपनी नींद का ध्यान रखें, अपनी हाइड्रेशन का ध्यान रखें, 10 से 15 मिनट की आपने सनलाइट आपने जरूर लेनी है, और जब आप सनलाइट ले रहे होते हैं ना तो उस वक्त भी आप थोड़ा बहुत वॉक कर लें, जब आप वॉक करते हैं आपको मैं बताऊं कि 10 मिनट वॉक करने से ही आपके 1000-1200 स्टेप्स तो वैसे ही हो जाते हैं, आपका फैट बर्न करने में हेल्पफुल होता है, और उस टाइम को आप इस तरह से अवेल करें कि आपकी मेडिटेशन भी हो जाए, आप कुरान सुन लें, सूरह रहमान सुन लें, आप सूरह यासीन सुन लें, ठीक है, जो आपका दिल चाहता है आप सुन लें,
और अपने आप का आपका माइंड भी रिलैक्स होगा। और ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बताई हैं, इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कुछ चीज़ों को आपने अपने रूटीन में शामिल करना है, ऐड करना है, चेंजेस लानी है, और फिर देखें आप 2 वीक्स के अंदर ही अपनी बॉडी में ड्रास्टिक चेंजेस देखेंगे। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख साइनिंग ऑफ। बाय।